मेरी तरफ कि यार ये इतने अंदर जा रहे हैं बाहर आ पाएंगे कि नहीं, बिकॉज वो शूटिंग फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं थी और तहखाने के अंदर करीब 20 फीट नीचे कोई मकान है, कोई 2 फीट ऊपर मकान है, 4 फीट ऊपर, समझ में नहीं आ रहा था कैसी गलियां हैं और करीब मैं उस मकान के बारे में बताऊं ऐसे कि मैं जब ढूंढते जा रहा था तो अचानक मेरी निगाह गई और एक वहाँ पे 2-3 लेडीज खड़ी हुई थी। मैंने देखा कि कुछ मकान जरा अजीब सा है, तो मैं ऐसे चल पड़ा उनकी तरफ नमस्ते की। और पता नहीं उनको भी क्या लगा कि शरीफ ही दिख रहा है आदमी, तो उन्होंने कहा हाँ भाई क्या काम है, मैं बोला मकान देखने, बोला देख लो। तो मैं मकान के आगे गया, उसमें एक सीढ़ी थी, मैं सीढ़ी के नीचे गया और जो देखा उस टाइम के ऐसा भी कुछ हो सकता है। नीचे भी एक 2 बेडरूम एक अपार्टमेंट बना हुआ था, उसके नीचे भी एक अपार्टमेंट बना हुआ था और वहाँ पे लोग रह रहे थे अलग अलग मकानों में जमीन के नीचे। मैंने बोला यहाँ पे शूटिंग करनी आई। वैसे संगम विहार आई थिंक दिल्ली का सबसे बड़ा इलीगल स्लम कॉलोनी है, उससे बड़ा स्लम कॉलोनी शायद पूरी दिल्ली में कहीं पर भी नहीं है। और जब आप अंदर घुसते हो आई थिंक दीवारों पे प्लास्टर भी नहीं लगे हुए हैं, सिर्फ वो ईंट के ब्रिक के वॉल्स हैं और इट्स अ ह्यूज प्लेस। वहाँ पे अंदर जाने के बाद अचानक से वो हार्ट बीट जो है थोड़ा फास्ट होने लगता है। जब गाड़ियाँ अंदर घुसी, 6-7 गाड़ियाँ हमारी प्रोडक्शन के आर्टिस्ट के डायरेक्टर्स के कैमरामैन सब अंदर जब घुस रहे थे तो ऐसा लग रहा था वो पता नहीं कोई बड़ा स्लम जो ड्रग माफियाज होते हैं उनके किसी अड्डे में घुस रहे हैं। तो हम लोग एक्सचेंज कर रहे थे यार ये कहाँ पर शूट करवा रहे हैं, हमारे तो कपड़े फटने वाले हैं आज, और ये लड़के मतलब अगर बच्चे भी हमारे कपड़े खींचने लगे तो कुछ बचेगा नहीं ऊपर। तो बहुत घबराहट सी हो रही थी, पर वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों का प्यार, मतलब वो टपोरी किस्म के लोग हैं, गरीब हैं या फिर वहाँ के कोई भाई टाइप से के लोग हैं हमें कुछ नहीं पता, बट हर चीज़ को अलग अलग रख के उनका जो प्यार था वो सबसे ज़्यादा मायने रखता हमारे लिए। और हमने ये सोचा कि 18 साल में जो हमने इंडियन टेलीविजन में सोनी पे जो काम किया, जो लोगों का प्यार मिला है वो हमने वहाँ पे जाके ऐसा लगा कि यार वाकई में वी आर सक्सेसफुल इन व्हाट वी हैव व्हाट। बाद में देयर वाज अ क्राउड ऑफ 60,000 प्लस ऑन दैट वन पर्टिकुलर डे जहाँ पे वो पतंग फेस्टिवल होता है, मोर देन 60,000 पीपल वहाँ पे भी, वहाँ पर लोग उल्टा फिजिकल हो रहे थे, कपड़े खींच रहे थे, हम लोग जो चेसिंग का सीक्वेंस था उसमें पैर डाल के रोक रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अहमदाबाद में भी जो लोग कर रहे थे वो दे वांटेड टू टच अस, फील अस, हग अस, उनको पता नहीं शॉट कहाँ चल रहा है क्योंकि इतने भीड़ में कहीं कैमरा दिख नहीं रहा था उनको, तो उनको लग रहा है ये CID वाले यहाँ पे पतंग फेस्टिवल देखने आए, तो एवरीबॉडी वांटेड टू हग अस। तो ये है CID के आर्टिस्ट को जो प्यार करते हैं लोग वो उसका एक एविडेंस है, एक नमूना है। और ऐसे मेरे अंदर से जैसे सर ने कहा कहीं भी है हॉस्टाइल सिचुएशन हमारे लिए कभी भी नहीं हुआ, कहीं भी, चाहे वो गोवा हो, गुजरात हो, UP जैसे मथुरा दिल्ली में हमने शूट किया, कहीं भी ऐसा हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर था नहीं। तो आई डोंट नो, आई थिंक दिस शो इज ब्लेस्ड। और जैसे यहाँ पे एक अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ गए, अच्छे आर्टिस्ट आ गए साथ में और अच्छा काम होने लगा, और वैसे ही अच्छे डिसिप्लिन ऑडियंस है हमारी जो इन स्पाइट हो सकता है हमसे बहुत हमारे शो में काफ़ी फ्लॉज होंगे, कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, बट हर चीज़ को दरकिनार करके ये लोग देखते हैं 18 साल से, हमारे शो को पसंद करते हैं। तो समवेयर आई कंसिडर माई सेल्फ माई टीम इन द एंटायर यूनिट ऑफ CID एंड अ चैनल ब्लेस्ड। कुछ तो अच्छा किया है हमने जिसकी वजह से वो ऊपर से हमको शायद, हाँ हमेशा मैं बोलता हूँ शायद भगवान CID देखता है सर, है ना, ऐसा कुछ होगा, गॉड मस्ट बी वॉचिंग दिस शो। जब हम बात करते थे हम खुद कंफ्यूज थे और कितना यार 18 हो गए 19 हो गए भी और कितना क्या है, एंड पीपल स्टिल लव यू द सेम वे लाइक दे यूज्ड टू डू 10 इयर्स बैक 15 इयर्स बैक। ये मुझे याद है मैं नया नया आया था तो CID में उतार थी, अभी हम लोग जाने वाले हैं। अरे छोड़ बीपी 2 साल और चले गए दो करते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं और तो एक सिंगल शॉट की बात हुई है तो इसमें अचानक याद आ गया कि हम मैं ऐसा डिसाइड हो गया था, सर ने अलाउ किया कि ठीक है अच्छा कर लो, क्योंकि तो लोग पूछते हैं कि कुत्ते ने काटा है क्या सिंगल शॉट में, क्या कर रहे हैं मतलब क्यों कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बोला ठीक है एक अचीवमेंट करना है कर लो। मैं ऐसे
जगह ढूंढ रहा था, अचानक मुझे लोनावाला में एक वो होटल जो अभी उसका नाम क्या है, अभी लगुना है शायद, अभी उस टाइम वो बंद पड़ा हुआ था, तो मैं गया वहाँ अंदर, देखा था कि ये यहाँ शूटिंग हो सकती है। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, फिर मैं सबको लेके गया, पहले दिन एक स्टोरी नरेट करी, राइटर्स ने भी पूछा कि 2.5 घंटे का वो करीब 100 मिनट का एपिसोड लिखते कैसे हैं, वो भी एक नई चीज़ थी हमारे लिए। तो फिर बोला चलो आधा घंटे का पहले लिखो, फिर एक और आधे घंटे का लिखो, फिर एक और लिखो, ऐसी स्क्रिप्ट लिखना जिसमें कट ही नहीं लिखा हुआ है, एक चैलेंज था। वहाँ पे पहुँचे तो जितने पीने वाले थे सब ने कसम खाई कि जब तक ये शॉट नहीं होएगा तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा, शिवाई सर ने कसम खाई थी वो। और सबको अभी पुरानी बात है कि भाई बुरा नहीं मानना, सबको थोड़ा सा शक था कि शिवाजी सर थोड़ा पता नहीं यार कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, बट किसी को पता नहीं था, क्योंकि मैंने देखा हुआ है ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट फ्रॉम थिएटर एंड ही डन वंडरफुल जॉब ऑन थिएटर। अभी तक उनके थिएटर की जो ट्रेनिंग है, थिएटर की जो एक्टिंग है, वो सबको याद है और मालूम भी है। मुझे पता था थिएटर का आदमी है ये, पिटने वाला नहीं है। तो 4 दिन बाद 90 पेज की एक स्क्रिप्ट थी, सबसे पहले जिस आदमी को याद हुई शिवाजी साटम, एक आदमी ने भी एक जगह में भी फंबल नहीं किया, किसी ने नहीं किया, यहाँ तक कि दूसरे लोगों को गाइड कर रहे थे। एक जगह पे एक आर्टिस्ट जब करीब 90 मिनट का शॉट हो गया था, कैमरा जब वहाँ पे पहुँचा उनके ऊपर, तो वो अपना डायलॉग बोलने के बजाय कहने लगे मेरा डायलॉग क्या है, बिकॉज बोला था चाहे भूल जाओ रुकना नहीं। तो आदित्य को पूरा स्क्रिप्ट याद था, कैमरा के पीछे से उसने उसका डायलॉग बताना शुरू किया और कॉन्फिडेंस आ गया उसको, उसने सारे डायलॉग बोल दिए पीछे से और शॉट कंटिन्यू करते रहे, वहाँ पे हमने बाद में डब कर दिया। तो ये है डेडिकेशन, और इसी डेडिकेशन के कॉन्फिडेंस पे अब मैं एक बात बताने वाला हूँ कि शायद मार्च या अप्रैल में एक 2.5 घंटे का एक शॉट हम ट्राई करने वाले हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि नहीं होएगा, वो होके ही रहेगा। अभी बहुत सारी बातें हैं जो याद आ रही है मगर एक साथ बाहर नहीं आएंगी, कभी फिर मौका मिलेगा तो फिर बताएंगे। तो इतना टाइम मैंने दिया, और किसी को धन्यवाद बोलना रह गया हो तो माफ़ करना, इतनी बड़ी टीम है और इतने साल से चल रहे हैं, मतलब इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड सब लोग हैं। एक हमारी सोनी की तरफ से एक टीम थी, मैं उसके बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा, मीनल और महाश्वेता, आठ साल तक उन्होंने इस प्रोग्राम को बच्चे के जैसा पाल के रखा है। हाँ शिवाजी आना जरा एक मिनट, मीनल श्वेता प्लीज आओ ना एक मिनट। Here is a great man. जरा कुछ देना चाहिए। आइए, बहुत बड़े इजीली आता है गालियां वगैरह, बीपी जैसे बात करनी नहीं आती, बट these have been glorious 20 years for Sony, and to be a part of the whole journey, matlab hum log to barati rahe, ek bhi barati bichhada nahi ab tak, so it's now more a family thing, and congratulations to all of you, all for Sony, and congratulations to BPU, Pradeep, and because I think the whole thing comes with BP and Pradeep. And to be a part of all this is again, as Daya said, that we are blessed. और यार आई थिंक मेरे टीम के जितने भी सारे लोग हैं जरा ऊपर आइए, लेकिन एक यहाँ जरूर कहूँगा सोनी को, थैंक यू सो मच फॉर ऑन अ वेरी पर्सनल नोट कि आई हैव गॉट दिस वन बिग न्यू फैमिली फॉर सो मेनी ईयर्स, आई थैंक सोनी फॉर दैट। या एक और हमारा मेरा प्रदीप का एक रिकॉर्ड है जो सोनी की वजह से, एक तो यही है कि जो सीआईडी इतने साल चल गया,
बात नहीं है, क्योंकि चैनल के आशीर्वाद से ही प्रोग्राम चलता है, और तो श्रेय जितना हमको जाता है उतना आपको भी जाता है। एक और बात है जो हमारे और प्रदीप के साथ में है कि हम जिस दिन से सोनी शुरू हुआ है उस दिन से हम लोग एयर पे हैं। यस, आज तक एयर पे हैं और बिना ब्रेक के। यस, आज तक सीआईडी कभी अपलोड नहीं हुआ है और कभी उसने डेडलाइन मिस नहीं किया, आज तक कभी डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं आया। चाहे कभी भी 11th आवर पे बहुत सारे एपिसोड बनाने पड़े हैं, कभी नहीं, और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये मैं एक फख्र के साथ बोल सकता हूँ। मैं स्पेशली मैं प्रदीप सर तो नहीं, मैं एक टेढ़ा आदमी के नाम से बहुत फेमस हूँ और कभी कभी मेरा फ्यूज उखड़ जाता है, मगर जो हमारा डेडिकेशन है कि चैनल ने कभी कुछ काम बोला हो और जो ना हुआ हो ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, कभी भी रात हो या दिन हो। तो बाकी जो रेडियो सिंक्रेसीज है वो माफ़ कर दें।